शिखर पर ध्वजा लहराए, संग त्रिशूल शोभा बढ़ाए, कदम कदम पर मूषक टकराए, करणी माँ तेरी सदा जय होवे। करणी माता का मंदिर। इस मंदिर के रहस्यों से वैज्ञानिक और तर्कशास्त्री भी हैरान रह जाते हैं। करणी माता मंदिर की यात्रा पर भिंगुमक्कड़ की टीम बीकानेर से क्या निकली, मौसम पल पल आंख मिचौली खेलने लगा। कभी सूरज बादलों के बीच छिपता तो कभी चुपके से निकल आता। 45 मिनट में हम बीकानेर से 30 किलोमीटर दूर देशनोक पहुंच गए। यहां बाहर से ही पता चल गया है हम एक भव्य और दिव्य मंदिर की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं। मंदिर के ऊपर माता रानी का ध्वज लहराता नजर आता है। मंदिर के शिखर की शोभा बढ़ाता हुआ त्रिशूल भी दूर से ही दिखाई देता है। ये मंदिर अपने अंदर बहुत सारे रहस्य समेटे हुए। करणी माता मंदिर का नाम लेते ही सबसे पहले चूहों का अक्स हमारे आंखों के सामने उभर कर आता है। चूहों का माता रानी से क्या संबंध? करणी माता मंदिर में 25,000 से ज़्यादा चूहे कैसे आए? माता रानी के चमत्कार की क्या कहानियां हैं? साइंस ने भी करणी माता मंदिर के आगे सरेंडर क्यों कर दिया? इन सारी बातों का जवाब आज मैं आपको दूंगी। इस रहस्य को समझने के लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, इन सारी तस्वीरों को बड़े गौर से देखिएगा। अभी हम मंदिर के द्वार से आगे बढ़े ही थे कि बाहर पूजा सामग्री की दुकानें सजी धजी मिल गई। यहीं पर भिंगुमक्कड़ को बेहद जरूरी बात पता चली। हमें एक दुकानदार ने बताया कि मंदिर परिसर में हजारों चूहे होने के बावजूद भी चूहे कभी उनकी दुकान को नुकसान नहीं पहुंचाते। चूहों को लेकर यहां लोगों में एक अजीबोगरीब आकर्षण दिखाई देता है। करणी माता मंदिर में हजारों चूहों से प्रसाद और पकवानों का भोग लगाया जाता है और इसी प्रसाद को बाद में श्रद्धालुओं में बांटा जाता है। हैरानी की बात यह है कि चूहों के चखे प्रसाद से आज तक ना कोई बीमारी फैली और ना ही कोई श्रद्धालु बीमार हुआ। श्रद्धालुओं को इस बात की भी हैरानी होती है कि यहाँ पे सभी चूहे लगभग एक जैसे आकार के ही पाए जाते हैं। चूहों को लेकर यहाँ इतनी मान्यता क्यों है? करणी माता के चमत्कारों पर क्यों यहाँ लोग दंडवत हो जाते हैं? ये सब बातें आगे आप जानेंगे। अभी इन तस्वीरों पर नजर डालिए। ये मन्नत के धागे हैं जिन्हें दूर दूर से आए श्रद्धालु यूं ही बांध कर चले जाते हैं। यहाँ से जाते हुए मन की मुराद मांगते हैं और मंदिर परिसर में जहाँ कहीं भी चूहे दिख जाते हैं उन्हें दाना डालते हैं। करणी माता मंदिर को मूषक मंदिर के रूप में भी ख्याति प्राप्त है। विश्वास जताया जाता है कि करणी माता देवी दुर्गा का ही अवतार है और वो यहाँ पर आने वाले अपने भक्तों के मन की हर मुराद पूरी करती है। इसीलिए यहाँ पर हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने लाखों भक्त दूर दूर से आते हैं और करणी माता के दर्शन करते हैं। यहाँ से कतारबद्ध होकर करणी माता के मंदिर में जाना पड़ता है। भिंगुमक्कड़ की टीम अंदर पहुंची तो बहुत दिव्य मंदिर नजर आया। मंदिर के दोनों तरफ देवी दुर्गा के वाहन सिंह विराजमान है।
दोनों ही शेरों की अलग अलग भाव भंगिमा एक घोर निद्रा में नजर आता है तो दूसरा जागा हुआ है। मंदिर का मुख्य द्वार चांदी से बहुत भव्य बना हुआ है। इसमें गजब की नक्काशी की गई। हाथी, शेर और करणी माँ का अक्स इसमें नक्काशी कर उभारा गया। सन 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान बीकानेर के आसपास करीब 3000 बम गिरे। पाकिस्तान ने यहां पर तांडव मचाने की हर चाल चली, लेकिन बीकानेर में एक भी बम नहीं फटा। बम को भी बेकार कर देने वाली शक्ति के पीछे यहां के लोग देवी करणी का ही आशीर्वाद मानते हैं। करणी माता के आशीर्वाद और चमत्कारों की अनगिनत कहानियां हैं। जब हमने इनके चमत्कारों पर मंदिर के पुजारी और करणी माता के वंशज से बात की तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ और नई जानकारी दी। करणी जी ने अपने जीवन काल में 151 वर्ष 6 माह 2 दिन तक जीवित रहे थे। अपने जीवन काल में हजारों चमत्कार किए, बीकानेर बसाया, जोधपुर बसाया और ये राजा लड़ते थे, राजाओं को जीवन दान देना। अपने जीवन काल में असंख्य चमत्कार किए थे और चील का भी रूप माता जी का माना जाता है और राजस्थानी में एक सांप होता है जिसको बोलते हैं दम्भी, दो मुआ, वो भी माता जी का स्वरूप माना जाता है। और पश्चिमी राजस्थान में ये मतलब करणी माता के हजारों चमत्कार हैं, आज भी हो रहे हैं, खूब सारे चमत्कार हैं। और जो भी भक्त अपनी मनोरथ सिद्ध मतलब के मनोकामना के लिए आता है, सबकी मनोकामना पूर्ण होती है और यह साक्षात चमत्कार हैं। क्योंकि ये दुनिया करणी जी ने अपने पुत्र को जीवन दान दिया था तब सारी सृष्टि के देवी देवता यहीं आ गए थे। सृष्टि के सभी देवी देवताओं के देशनोक के इस पावन स्थान में आने की एक कहानी जो इसी द्वार के अंदर से गुजरने पर पता चलती। यहाँ से अंदर बढ़ते ही जगह जगह पर चूहे दिखाई देते हैं, कुछ दाना खाते हुए मिलते हैं, कुछ चांदी की थाल पर दूध पीते हुए नजर आते हैं। हर घड़ी इधर उधर सैकड़ों चूहे भागते मिल जाते हैं, इसीलिए कदम संभल संभल कर यहाँ बढ़ाने पड़ते हैं। इन चूहों को मंदिर से जुड़े लोग कावा कहते हैं। इस नामकरण के पीछे क्या घटना है वो जानने से पहले आपको करणी माता के बारे में जानना चाहिए। करणी माता अपनी माँ की कोख में 21 महीने तक रहे थे और तो 9 महीना मतलब 12 महीना चल रहे थे। उसमें प्रसव के लिए करणी जी के मतलब करणी जी की माँ के प्रसव के लिए मतलब दो दाइयाँ रखी हुई थी, एक अक्खा और एक ईदाणी। तो 12वें महीने में वो दाई चली गई। उन्होंने सोचा भाई 9 महीने में डिलीवरी हो जाती है, इनके पेट में बच्चा होगा या नहीं होगा पता नहीं, अभी तो मतलब 9 महीने में डिलीवरी हो जाता है, 12 महीने हो गए कब होगी पता नहीं। तब करणी माता की माँ, करणी माता अपनी माँ की कोख में 21 महीने तक रहे थे। 21वें महीने में करणी माता ने अपनी माँ को दुर्गा के रूप में रात्रि को स्वप्न टाइप में दृष्टांत दिए, कहा मैं ही आपके उदर में जन्म लूंगी। तो करणी माता का जन्म हुआ था यानी लगभग 28 सितंबर 1387 यह विक्रम संवत के अनुसार 1444 अश्विन सातम शुक्रवार को करणी माता का जन्म हुआ। माता करणी को दैवीय मानने से पहले उनका नाम ऋधुबाई था, लेकिन बचपन पे उनके चमत्कारों से अभिभूत होकर उनकी बुआ ने उनका नाम बदलकर करणी रख लिया। करणी जी की शादी लौकिक रूप से देपा जी के साथ हुई, लेकिन कहा जाता है कि माँ ने ब्रह्मचर्य का व्रत रखा और देपा जी की शादी अपनी छोटी बहन से करा दी, जिसके बाद माँ करणी यहाँ देशनोक के ही एक गुफा में तपस्या में लीन हो गई। बुआ ने ऋधु का नाम करणी क्यों रखा इसके पीछे भी एक चमत्कारी घटना बताई जाती है। करणी जी की उम्र 6 साल की थी, उनके करणी माता की माँ ने कहा ऋधु तू बुआ से चोटी बना ले। तो करणी माता का जन्म का नाम था ऋधु। तो करणी जी अपनी बुआ जी के साथ मतलब बुआ जी बाल संवार रहे थे, बुआ जी मतलब एक हाथ से ऐसे बाल संवार रहे। तो करणी जी ने कहा बुआ जी मेरे सही तरीके से बाल संवारिए ना, पता नहीं मेरे तो हाथ काम नहीं कर रहे हैं, हवा बह गई है, मेरे तो एक हाथ काम कर रहे दूसरा कर नहीं रहे, आप मजाक कर रहे, दिखाओ दिखाओ।
तो तब करणी जी ने टेढ़ी अंगुली को ऐसे टच करके ठीक कर, यानी कुछ चमत्कार करने वाली, कुछ करके दिखाने वाली, जन्म का नाम था रिदु, इसलिए बुआ जी ने नाम रखा करणी, कुछ चमत्कार करने वाली, कुछ करके दिखाने वाली, करणी नाम से। उसके पश्चात करणी जी की 9 साल की उम्र थी, तो उनके पिताजी कई बार घर से बाहर गए मवेशी चराने के लिए खेतों में, और वहाँ क्या एक सांप था, सांप के काटने से पिताजी की मृत्यु हो गई, मेहा जी की मृत्यु होने के पश्चात उनका मेहा जी को, करणी माता के पिताजी को बाहर आसपास के लोगों के द्वारा उनके कैमल कार्ट पर रख के उनके घर में उनकी डेड बॉडी को लेकर आए और आंगन में लेटा दिए गए। सब रो रहे थे, तो करणी माता अपने पिताजी के, सब रो रहे थे, करणी माता अपने पिताजी के पास आए और कब अपने पिताजी को जहाँ से सांप ने काटा था ऐसे स्पर्श करके जीवन दान दे दिया। अभी भी सवाल ये था कि करणी माता से चूहों यानी काबों का क्या रिश्ता है। उस राज से पर्दा हटाएं उससे पहले करणी माता मंदिर के मुख्य गर्भगृह के अंदर चलते हैं, जहां मां निवास करती हैं। गर्भगृह के अंदर प्रवेश करते ही मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ का स्ट्रक्चर बहुत ही पुराना एंशियंट आर्किटेक्चर है, बहुत पुराने समय का ये मंदिर रहा है, काफी मान्यता है इस मंदिर की, दूर दूर से लोग करणी माता के दर्शन करने के लिए आते हैं यहाँ पे। जिस दिन श्रद्धालुओं की ज्यादा भीड़ रहती है उस दिन यहीं से माता के दर्शन करवाए जाते हैं। जो प्रसाद भक्त लाते हैं उसका भोग चूहों को लगवा कर वापस दे दिया जाता है। बाकी दिनों में श्रद्धालु मां करणी के और करीब जा सकते हैं। गिंगुमक्कड़ भी गर्भगृह में बेहद नजदीक तक पहुंची और मां करणी को साक्षात महसूस किया। इस मंदिर के अंदर की नक्काशी भी कितनी खूबसूरत है, यहाँ पे घंटे टंगे हुए हैं, एक छत है बीच में, मंदिर के अंदर माता करणी की प्रतिमा भी स्थापित की गई है और ठीक उनकी प्रतिमा के सामने आप देख सकते हैं कि चूहे प्रसाद का भोग लगा रहे हैं जो बाद में श्रद्धालुओं में बटेगा। गर्भगृह में स्थापित ये मूर्ति जैसलमेरी पीले पत्थर से बनाई हुई, मूर्ति के सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल, एक हाथ में त्रिशूल जिसके नीचे महिष का सिर है, जबकि दूसरे हाथ में नरमुंड लटका है। यहाँ सुबह 5 बजे मंगला आरती और शाम 7 बजे सांझ आरती के समय चूहों का जुलूस देखने लायक होता है। गर्भगृह के अंदर भी हर जगह काबे नजर आते हैं। जगह जगह इनके लिए भोग लगाने की व्यवस्था की गई है, जिनमें श्रद्धालु प्रसाद और दाना डालते हैं। कहा जाता है जीवन के 100 साल माता करणी इसी जगह पर रही, घोर साधना की, जीवन कल्याण के लिए तप किया। करणी जी ने अपने जीवन काल में बहुत सारे चमत्कार किए थे, 151 वर्ष 6 माह 2 दिन तक जीवित रहे थे। उन्होंने गौ कल्याण के लिए अपने परिवार से गायें दी थी और ससुराल भी त्याग किया, फिर यहाँ एक अलग स्टेट मतलब यहाँ स्थापित किया, यहाँ रहे, फिर बीकानेर बसाया और बीका जी की शादी करवाई। उस समय क्या राजा आपस में लड़ते थे, भाटी यहाँ के लोकल थे और भाटी और राठौड़ों में पहला रिश्ता करवाया, सुशासन स्थापित किया, ये आपस में लड़ते थे, सीमा विवाद था, कभी कुछ ना कुछ हो जाता, तो ये सब के जन कल्याण, गो कल्याण, सुशासन की स्थापना की और करणी माता ने पर्यावरण के लिए खूब सारे कार्य किए। आज एक मिसाल है, आज भी हो रहे हैं माता जी के चमत्कार। अब उस सवाल का जवाब देने का वक्त आ गया है जो हर कोई जानना चाहता है। सवाल वही कि चूहों यानी काबों से करणी माता का क्या रिश्ता है, तो इसका जवाब है चूहे माँ करणी के बेटे हैं। ये कथा जुड़ी है उनकी बहन के बेटे लक्ष्मण से, जिन्हें करणी माता अपना बेटा भी मानती थी। तो राजस्थान में 2 जलाशय हैं, दूसरा है पहला तो पुष्कर, दूसरा कोलैत। कोलैत यहाँ से 70 किलोमीटर दूर रहता है, तो वहाँ कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगा था। करणी जी ने मना किया था, लक्ष्मण तुम कहीं जाना मत, तो वो दोस्तों के साथ फिर थोड़े घूमने फिरने के शौकीन थे, कैमल कार्ट पे बैठ कर वहाँ चले गए। जैसे उन्होंने वहाँ जलाशय के पास पहुँचे, तैरना तो नहीं आता था, जैसे पानी के अंदर जंप लगी वही उनकी मृत्यु हो जाती। मृत्यु होने के पश्चात दोस्तों के द्वारा उनके पार्थिव शरीर को कैमल कार्ट पे रख के यहाँ लाया जाता है। यहाँ लाया जाता है, सारा परिवार और कुटुंब यहीं रहता था,
तो करणी माता, करणी जी ने वो देखा सब चीज़, इधर वो तो गुलाबई थे लक्ष्मण जी की माँ, तो लक्ष्मण जी की माँ ने देखा, गुलाबई ने देखा भी बहुत ज़्यादा रोने लगे, बहुत ज़्यादा विलाप करने लगे। करणी जी से कहने, भी आपने बीकानेर बसाएं, जोधपुर बसाएं, हजारों चमत्कार किए, आज अपने घर अपने पुत्र की मूर्ति विषय भी जीवन दान दो। करणी माता ने कहा, भी मैंने मान्य रूप में जन्म लिया, मैं भी शरीर देने, अपने परिवार के लिए आपने क्या किया, बहुत ज़्यादा हट निकलने लगे, बहुत ज़्यादा रुद्र करने लगे, नहीं माने। तब करणी माता ने अपने बच्चे को अपने हाथों में उठाया, जो निज मंदिर है, पहले यहीं रहते थे पूजा स्थल, करणी माता यहीं रहते थे, अपने बच्चे को गुब्बारे में ले गए, रख दिया और दरवाज़ा बंद कर लिया, कहा दरवाज़ा मैं अपने आप खोलूँगी। फिर यमराज और धर्मराज के पास गए करणी जी। धर्मराज यमराज से कहा, भी मेरा बेटा जो तुम्हारे पास है दे दो। धर्मराज यमराज ने कहा, भी आप तो साक्षात नव दुर्गा पार्वती स्वरूप आओ, और आप इससे तो, इससे पहले कोई माँ अपने बेटे को लेने के लिए नहीं आई है, आप इसे तो ले जाएंगे, ठीक है जीवित करने, और आपके तीन लड़के और हैं, तीन लड़कों में से किसी और की डेथ होगी, फिर आप इनको लेने के लिए आएंगे, सृष्टि का नियम कैसे चलेगा, स्वर्ग नरक कैसे चलेगा, 84 लाख योनियों का जीवन चक्कर कैसे चलेगा। तब करणी जी ने कहा, भी मुझे भला किया, याद दिला दिया, आज के बाद मेरे बेटे तुम्हारे पास नहीं आएंगे, मेरे पास ही रहेंगे। फिर करणी जी ने गणेश जी के वाहनुमा सिर्फ चूहे की आकृति को चुना, और यहाँ इनको चूहा नहीं कहते, इनको बोलते हैं काबा। काबा का अर्थ होता है करणी माता के बच्चे, करणी बालक। काबू के मंदिर और उसके आसपास रहने की भी मान्यता है। इस मान्यता को आज भी करणी माता के वंशज शिद्दत के साथ पूरा करते हैं। जिस दौरान करणी माता के वंशज हमसे बात कर रहे थे, उस दौरान काबू के साथ उनका प्यार देखते ही बन रहा था। काबे उनके शरीर में चढ़ उतर रहे थे, लेकिन उन्हें किसी बात की फिक्र नहीं थी। काबे उनके परिवार के सदस्य की तरह विचरण कर रहे थे। करणी जी के चार लड़कों का परिवार है, हमारी जनसंख्या करीबन 5,000 है। देपौत परिवार में से 5,000 देपौत परिवार में से हमें से किसी व्यक्ति की डेथ होती है, देपौत परिवार में से किसी सदस्य की, देपौत की, तो हमारा नेक्स्ट रीबोर्न इन काबों के रूप में होता है। काबा का होता है करणी माता के बच्चे, करणी बालक। जैसे मैं हूँ, अगर मेरी डेथ हो जाती है, मैंने जीवन काल में अच्छे कर्म किए, तो मैं इसी मंदिर में इस काबा के रूप में मेरा दूसरा जन्म होगा, और मैं अच्छा कर्म करूँगा तो मैं माता जी के मूर्ति के पास रहूँगा, बुरा कर्म करूँगा तो यहाँ हर हर जगह है। ये बाहर वाले काबे अंदर नहीं जाते, अंदर वाले काबे बाहर नहीं जाते। इसी मंदिर में हमारे लिए स्वर्ग नरक है, और जैसा हम कर्म करते हैं वैसे स्थान है। सामान्यतः हम अपने घर में एक चूहे को पाल लेते हैं, उसको खाना खिलाते हैं, तो कितना फेट हो जाता है। ये इनके लिए खाने की कोई कमी नहीं है, कोई फेट नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। जब भी सूरत में फ्लैग फैला था, चूहों से जहाँ बीमारी फैलती है, फ्लैग फैलता है, सूरत में फ्लैग फैला तो लोग फ्लैग से ग्रसित थे। जो ये काबा पानी पीते हैं, दूध पीते हैं, इसके पीने से सारी बीमारियां दूर हो जाती है, डिजीज दूर होता है, बीमारियां दूर हो जाती है, कुछ भी नहीं होता है। और वाइट काबा जो हमारे में से अच्छा कर्म करता है, पूरे मंदिर में 7-8 है, उसे देखना अच्छा माना जाता है, वो वाइट काबा बनता है, माता जी का स्वरूप ही मानते हैं लोग उसे। घुमक्कड़ के कैमरे में भी सफेद काबा नजर आया। मान्यता है जिस किसी को सफेद काबा दिख जाता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है, उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। एक बार जब देश में प्लेग रोग फैला तो हजारों लोग दूर दूर से देशलोक के करणी माता मंदिर आ गए, इस विश्वास के साथ कि माता करणी उनकी रक्षा करें। चमत्कार देखिए, हर जगह फैले होने के बावजूद भी इस इलाके को प्लेग छू भी नहीं सका, वो भी तब जब यहाँ पर हजारों की तादाद में चूहे मौजूद रहते हैं। ये वाकई चमत्कार है। दूर दूर से आए भक्त चूहों का भोग लगाया प्रसाद ग्रहण करते हैं, लेकिन आज तक कभी किसी के बीमार होने की शिकायत नहीं मिली, न ही प्लेग जैसा रोग फैला। यही नहीं, मंदिर परिसर में हजारों चूहे होने के बावजूद कहीं से गंध नहीं आती, जिससे श्रद्धालुओं को तकलीफ हो। अब मौजूदा मंदिर के निर्माण की बात जान लीजिए। सनवत 1595 की चैत्र शुक्ला 14 से स्थान पर करणी माता की पूजा होती आ रही है। मौजूदा मंदिर का निर्माण बीकानेर के महाराज गंगा सिंह ने राजपूत शैली में करवाया और जगह जगह संगमरमर लगवाया। बीकानेर पहुंचकर कोई भी पर्यटक या श्रद्धालु देशनोक के करणी धाम आसानी से पहुंच सकते हैं। टैक्सी और बस बीकानेर से मिल जाते हैं।
बीकानेर में अच्छे होटल धर्मशालाओं समेत देशनोक में भी रुकने के लिए धर्मशाला की व्यवस्था है। आज की इस धर्म यात्रा में बस इतना ही।